तहसीलदार घनश्याम शुक्ला द्वारा तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात FIR बड़ी मुश्किलों से FIR दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार खुले मन से दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ अगर किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन यूपी के बस्ती में एक महिला अधिकारी साथ ही राजस्व अधिकारी पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगाती है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती। ऐसे में गंभीर आरोप में केवल 164 के मुकदमा दर्ज किया जाता है, बावजूद पुलिस आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तहसीलदार घनश्याम शुक्ला रात में करीबन 1 बजे उसका दरवाजा खटखटाया था। जब महिला अफसर ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ते हुए महिला के साथ अभद्रता की। मैं नायब तहसीलदार बस्ती सदर हूँ। मेरे सहकर्मी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला द्वारा तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात FIR बड़ी मुश्किलों से FIR दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जिला एवं पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लें और आरोपी घनश्याम शुक्ला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं एवं उचित कार्रवाई करें।